हेलो एवरीवन वेलकम टू ई लर्नम और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन वाइज शॉर्टिंग ऑफ 15 ईयर क्वेश्चन फॉर बॉटनी रिगार्डिंग गेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन तो मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी मैंने उसमें आपसे पूछा था कि आप गेट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोस पहले चाहते हैं या एनिमल फिजियोलॉजी की जिसमें आपके रिस्पॉन्स काफी अच्छे थे एंड आई नो दैट वेरी वेल यू गाइज आर मश मोर इंटरेस्टेड इन एनिमल फिजियोलॉजी तो फर्स्ट एफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिस्पॉन्सेज और आपके जो रिस्पॉन्स थे वो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थे क्योंकि एनिमल फिजियोलॉजी मेरी भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट यूनिट है तो उसे तो हम प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे लेकिन गेट की सीरीज पहले लेके आने के दो रीजन थे पहला तो ये ये जो गेट की सीरीज है वो एनिमल फिजियोलॉजी की सीरीज के कंपैरिजन में बहुत छोटी सीरीज है एंड सेकंड थिंग इज दैट आपको पता है कि सी का जो एग्जाम डेट है वो अनाउंस हो गया है तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में हो जाएगा और गेट का एग्जामिनेशन जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ फेब में होता है तो इस तरीके से जैसे ही आप सी एस आई आर का एग्जामिनेशन देंगे तो आपके पास केवल वन मंथ ही रहेगा जनवरी का जब आप प्रिपेयर करेंगे गेट के लिए तो इसीलिए मैं ये सीरीज पहले लेके आई हूं जिससे आप सी एस आई आर के साथ साथ ही अपनी गेट की प्रिपरेशन कर सकें उससे क्या होगा जो आपका वन मंथ का टाइम रहेगा उस समय हम रिविजन करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनवरी के महीने में हम बहुत सारी प्रैक्टिसेस करेंगे जिससे ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर ना आए तो आपको पैरेलली ही प्रिपरेशन करनी है जैसे अगर आप सी एस आई आर के लिए बायोकेमिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हैं और आपने गेट एक्सेल को भी टारगेट करा है उसमें भी आपने बायो केमिस्ट्री सब्जेक्ट को टारगेट करा है तो आपको करना क्या है आपको सिंपली जैसे ही आप सी एस आई आर में बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की के प्रिपरेशन करें यहाँ पर जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी ऑल दो आज हम बॉटनी के बारे में बात करेंगे जो हमारी अपकमिंग वीडियो रहेगी उसमें हम बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे तो वो सारे सेक्शंस आपको साथ साथ में प्रिपेयर करने हैं और बाकी का जैसे ही आप एग्जाम देंगे अपने सी एस आई आर का फिर जो जनवरी का मंथ रहेगा उसमें उन सारे सेक्शंस को हम रिवाइज करेंगे और पीवाई क्यू की प्रैक्टिसेस करेंगे तो इस तरीके से साथ में आपकी सी एस आई आर की भी प्रिपरेशन होगी प्लस में आप गेट की भी प्रिपरेशन कर लेंगे तो फटाफट हम शुरू कर लेते हैं आज की वीडियोज में तो आज की वीडियो में हमें क्या बात करनी है सेक्शन वाइज शॉर्टिंग ऑफ फिफ्टीन ईयर क्वेश्चन फॉर बॉटनी रिगार्डिंग गेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में यदि आप इसके सिलेबस में देखेंगे तो टोटल तो इसमें नाइन सेक्शंस होते हैं ठीक तो आपका जो सेक्शन बन है वो है प्लांट सिस्टमेटिक प्लांट एनाटॉमी प्लांट डेवलपमेंट सेल एंड टिश्यू मार्फजेनेसिस प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स प्लांट ब्रीडिंग मॉडिफिकेशन जीनोम एडिटिंग इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बॉटनी प्लांट पैथोलॉजी इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट तो इस तरीके से आपके टोटल नाइन सेक्शन होते हैं ठीक है तो अब हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन क्या है हाउ टू प्रिपेयर प्रिपेयर हमें कैसे करना है अब आप तो आपको याद भी हो गया होगा स्मार्ट अप्रोच के साथ ठीक तो यहां पर जो शॉर्टिंग है वो मैंने करी है सेक्शन वाइज सेक्शन वाइज शॉर्टिंग करने के भी दो रीजन थे पहला तो ये है कि जो सी में हमने शॉर्टिंग करी थी वो करी थी टॉपिक वाइज तो वहां पे हमने टॉपिक वाइज इसीलिए शॉर्टिंग करी थी क्योंकि उसमें काफी सारी यूनिट्स थी प्लस में काफी सारे टॉपिक्स थे आपको पढ़ने के लिए और जो सी एस आई आर का एग्जामिनेशन है वहां पर आपको चूज करने के लिए मिलता है हर एक सेक्शन में जैसे सेक्शन ए में आप देखेंगे तो आपके पास टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन होते हैं उसमें से आपको फिफ्टीन क्वेश्चन करने होते हैं पार्ट बी में आपके पास 75 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 50 क्वेश्चन करने रहते हैं लेकिन गेट में इस तरीके का नहीं होता है ठीक है तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो शॉटिंग करी है वो सेक्शन वाइज करी है सेकेंड थिंग इज दैट जैसे आप गेट एक्सेल के लिए टारगेट कर रहे हैं तो उसमें आपको दो सब्जेक्ट चूज करने हैं जैसे आपने बॉटनी चूज कर लिया बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री चूज कर लिया तो बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री केवल दो यूनिट्स हुई तो इस तरीके से आपको केवल दो ही यूनिट्स पढ़नी है और हर एक सेक्शन में बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है तो हम इनको इजीली प्रिपेयर कर लेंगे अगर बाई चांस मैं आपको कुछ ही टॉपिक्स बता देती हूँ और पता चले कि जब आप एग्जाम देने बैठे तो उन टॉपिक्स से तो क्वेश्चन आए और कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ टॉपिक्स आ गए तो इस तरीके से आप मिस हो जाएंगे तो आपको मिस आप मिस ना हो इसीलिए यहाँ पर जो शॉर्टिंग है वो की गई है सेक्शन वाइज तो डरने की जरूरत नहीं है कि इतना सारा पढ़ना है बहुत लिमिटेड सा पढ़ना रहता है गेट में क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था जो गेट है उसमें एक्सटेंड ऑफ कवरेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मतलब आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है जितना ज्यादा हो सके हम सारे सिलेबस को बॉटनी का जैसे अगर सब्जेक्ट है तो हमें सिलेबस को कवर करना है हमें डेप्थ में नहीं पढ़ना है तो उसके लिए भी मैं एक स्ट्रेटेजी की वीडियोस लेके आऊंगी तो बताऊंगी कि आप कैसे अपनी ऐसे आप प्रिपेयर करेंगे कैसे आपको अपने नॉलेज को अप्लाई करना है तो वो बात की बात है अभी हम बात करेंगे मोस्ट फ्रिक्वेंट सेक्शन में तो यहाँ पर टोटल मैंने सिक्स सेक्शन मेंशन करे थे टोटल हमारे कितने नाइन सेक्शन थे उसमें से सिक्स सेक्शन क्या है जब हमने फिफ्टीन ईयर का एनालिसिस करा तो उसमें जो पहला सेक्शन है वो है जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स जिसमें आए हैं फोर्टी नाइन क्वेश्चन सेकेंड है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री फोर्टी वन क्वेश्चन प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड जीनोम एडिटिंग थर्टी टू क्वेश्चन प्लांट एनाटोमी ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन

तो पहला सेक्शन जो है वो है आपका प्लांट डेवलपमेंट सेल एंड टिश्यू मार्फोजन से जिसमें आए हैं एट्टीन क्वेश्चन इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बॉटनी टेन क्वेश्चन प्लांट सिस्टोमेटिक सिक्स क्वेश्चन और फोर्थ जो है वो है मिक्सड कंसेप्ट मतलब बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं फोर क्वेश्चन अभी तक ऐसे आए हुए हैं जो मिक्सड कंसेप्ट से हैं तो फोर क्वेश्चन आए हुए हैं तो आपने देखा कि जो आपके सिक्स टॉपिक्स हैं वो आपके सिक्स सेक्शन है वो आपके मोस्ट फ्रिक्वेंट सेक्शन है और बाकी के जो आपके थ्री सेक्शन है वो मीडियम एंड लेस फ्रिक्वेंट सेक्शन की कैटेगरी में आए हैं तो पहले आपको वो प्रिपेयर करने हैं इसके बाद आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं ठीक अब वो हो गई सेल्फ स्टडी के बाद वहीं पर यदि आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप जुड़ सकते हैं लर्नम के साथ ईलरनम आपको लेके आया है डिफरेंट टाइप ऑफ बैच रिगार्डिंग गेट बायोटेक्नोलॉजी एंड गेट एक्सेल एग्जामिनेशन इसके जो सब्सक्रिप्शन है वो मिड ऑफ अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए टोटल सिक्स बैच होंगे डी बैच आर एन ए बैच प्रोटीन वन प्रोटीन सेकंड एनजाइम वन एंड एनजाइम सेकेंड तो आपको जो भी बैच कन्वीनियंट लगे उसके अकॉर्डिंग आप इन बैच में इनरोल्ड हो सकते हैं और जैसे ही आप इन बैच का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर पीडीएफ नोट डेली प्रैक्टिस सीट पी वाई क्यू सेवेंटी फोर इंटू सेवन डाउट क्लियरिंग सेशन ये हमारे कुछ प्रीवियस ईयर रिजल्ट हैं और ये कुछ रिजल्ट uh, एनालिसिस है ईयर 2020 से लेके 23 तक तो आप देखेंगे कि ईयर 2023 में 300 प्लस कैंडिडेट ने ई e लर्नम के प्लेटफॉर्म के थ्रू क्वालिफाई करा है तो डेफिनेटली आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए इसके अलावा यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली हमें फोन कर सकते हैं मेल कर सकते हैं और ये ई e लर्नम की वेबसाइट है जहाँ पर आप क्या क्या आपको फैसिलिटीज हैं वो सारी एक्सेस कर सकते हैं इसके अलावा और भी यदि कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगी उसमें हम गेट एक्सेल बॉट जोलॉजी के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो तब तक आप इन सारे सेक्शन को नोट डाउन कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन थैंक यू फॉर लिसनिंग